किया। पाक भारत मैच के लिए जहानी की शायकीन क्रिकेट की बेताबी बढ़ने लगी है। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी टीम को फातह देखना चाहते हैं। शायकीन को फखर जमान और मोहम्मद हफीज से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। नुमाइंदा न्यूज वन आमिर सज्जाद इस वक्त शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आमिर बताइएगा, क्या कहना है क्रिकेट लवर्स का? पाक भारत टाकरे में कुछ ही वक्त बाकी है तो जहानी के जो शौकीन क्रिकेट है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए बड़े पुरजोश है, जोश है और पाकिस्तान की जीत के लिए पुरअज़म भी है। जहाँ पर जो मुख्तलिफ शौकीन क्रिकेट है और उन्होंने उम्मीदें भी लगा रखी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शौकीन क्रिकेट मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, कौन से प्लेयर से आपने उम्मीदें लगा रखी है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने मोहम्मद हफीज और फखर जमान से काफ़ी उम्मीदें हैं। हमें इंशाल्लाह ये अच्छा स्कोर करेंगे, फखर जमान इंशाल्लाह 100 करेगा, मोहम्मद हफीज अच्छा खेलेगा, मुजारा इंशाल्लाह बेस्ट करेगा। बाकी पाकिस्तानी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह खैर करेगा, विन करेगा। हाँ, पूरे शहर में हमने एलसीसी वगैरह भी लगाई हुई है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह खैर करे, दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते और मोहम्मद आमिर और वहाँ की कमी महसूस होगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह खैर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो कुछ ही देर तक होने जा रहा है, इस वाले से शहर भर में जो एलसीडीज भी लगाई जा रही हैं और इनका यही कहना है कि जो फखर जमान है वो इंशाल्लाह 100 स्कोर करेगा। मतलब फीस है उनसे भी इन्होंने काफी उम्मीद लगा। बड़ी स्क्रीन है नस पे शौकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए काफी बेताब है। पाक भारत मैच के हवाले से जहाँ पूरा पाकिस्तान पुरजोश है, वहीं अलीपुर के नन्हे खिलाड़ी